गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर था सर्कुलेटरी सिस्टम, और अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ब्लड। एंड ब्लड को बेसिकली हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड ब्लड कॉर्पसेस। ब्लड प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको पूरा क्लास में ही बताया हुआ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ब्लड कॉर्पसेस में हम लोग आरबीसी को कवर कर चुके थे। आज हमें आरबीसी के बाद जो आज हमें पढ़ना है वो है डब्ल्यूबीसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू दैट मीन्स वाइट, बी दैट मीन्स ब्लड, एंड सीएस दैट मीन्स कॉर्पसेस। तो वाइट ब्लड कॉर्पसेस, ये इसका फुल फॉर्म है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं। जिस तरह से डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट का नाम दे रहे हैं, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक, अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये कलरलेस होती हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। हमने बात किया था आरबीसी में, तो आरबीसी में हमने देखा था कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था, मतलब उसमें केंद्र उपस्थित नहीं था। और उसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का वो लगभग 120 दिन का होता है। बट इसका जो जीवन काल होता है बेसिकली वो 1-4 डेज का ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी हैव टू मेन कैटेगरी। जो डब्ल्यूबीसी है उसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दो मेन कैटेगरी कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट ये डिवाइड किया गया है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा कोशिका द्रव्य कणिकामय है तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। और अगर उसका कोशिका द्रव्य दैट मीन साइटोप्लाज्म अगर कणिकामय नहीं है, मतलब उसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को फिर फर्दर हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ईओसिनोफिल्स, इसका काम क्या होता है? ईओसिनोफिल्स को हम एसिनोफिल्स भी बोलते हैं। ईओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन एलर्जी, मतलब हमें जब भी अगर हमें कोई एलर्जी सिम्टम है, जैसे हर किसी को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उस टाइम पर अगर कोई एलर्जन इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ईओसिनोफिल्स की संख्या एकाएक वृद्धि कर जाती है, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में नॉर्मली थ्री टाइप्स के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। जिसमें से जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमें इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। ठीक, जो सेरोटोनिन है इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज हमें ये एक तरह से हमें खुश रखने का काम, हमें हैप्पीनेस प्रदान करने का काम सेरोटोनिन के द्वारा किया जाता है। एंड हिपेरिन के बारे में आप सबको पहले से पता होगा, हिपेरिन हार्मोन जो होता है ये हमारे जो हमारे ब्लड मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है। सॉरी, तो हिपेरिन का काम आपको समझ में आ गया होगा कि हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है। हिस्टामिन हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें हैप्पी रखने का काम करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। अगर हम बात करें ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज की, तो ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इज दैट क्लियर? मतलब न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इसका मेन वर्क क्या होता है? इसका मेन वर्क होता है फैगोसाइटोसिस प्रदान करना। हम इसको कैसे लिखेंगे? फैगोसाइटोसिस। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? ये भक्षाणु का काम करता है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन की एंट्री होती है तो उसको पकड़ के मारने का जो काम होता है उसको हम फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। तो वो काम हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है, और ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स की संख्या ही सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ग्रैनुलोसाइट की। तो एक ग्रैनुलोसाइट को टू कैटेगरीज
मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट को फिर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बी फॉर्म एंड टी फॉर्म में। बी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो डेराइव्ड सेल, और टी फॉर्म को हम बोलते हैं थाइमस रिलेटेड सेल। ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये दोनों सेल्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। हमारे शरीर में ये दोनों एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट का काम ही हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स का काम है, क्या न्यूट्रोफिल्स का काम है? फैगोसाइटोसिस। दैट मीन्स कोई भी बाह्य पैथोजन अगर आता है तो उसको किल करने, उसको ख़त्म करने का काम मोनोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको WBC के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका मैं आपको एक क्विक रिविज़न अभी करवा देना चाहती हूँ। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट होती है फिर से उसको हम फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट होती है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। आई होप आपको WBC के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।